नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप घर बनवाएं अपने लिए, सपनों का महल बनवाना स्टार्ट करवाएं और अभी दोस्तों छत की ढलाई हो और तभी से दोस्तों आपका घर टूटना स्टार्ट हो जाए, कितनी बुरी बात है। ठीक है, जो भी जिसने मिस्त्री ने भी ये काम किया है, बहुत ही गंदा काम है। दोस्तों, अगर घर मालिक को टेक्निकल चीज़ें उतनी समझ में नहीं आ रही है तो आपका काम बनता है कि आप उसको सजेस्ट कीजिए उनको। अगर हो सके तो आप जो है वो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप जो है वो टेक्निकल चीज़ें घर मालिक को समझाएं। अब यहाँ देखिए, घर का प्लास्टरिंग तक नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, बीम और कॉलम का जो मोटाई है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 6 सरिया लगाया गया है। ठीक है, आप देखेंगे पूरे 6 सरिया लगाया गया है ताकि ऊपर में भी इसको ले जाया जाए, लेकिन नीचे ही देखेंगे दोस्तों तो अभी से आप देखेंगे यहाँ पे बीम के नीचे में जो दीवार है, शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा लेकिन ये बाहर की तरफ धकेला जा चुका है और ये अपना जगह बिल्कुल छोड़ दिया है। ठीक है, आप देखेंगे बीम से बिल्कुल जगह जो है वो छोड़ दिया। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, शायद कैमरा का एंगल इस तरीके से है, आपको पूरी चीज़ें पता ना चले, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें है कि अंदर से बिल्कुल ये धंसना स्टार्ट हो गया है। और इसका कारण वही है दोस्तों जिसके बारे में मैं पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी जानकारी आपको देता हूँ दोस्तों, आपके भलाई के लिए ही देता हूँ। आप उसको अगर देखते हैं, सीखते हैं, अपने साइट पर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सही आप एक मिस्त्री वाला काम भी कर सकते हैं और बहुत सही अपना आप एक घर भी बनवा सकते हैं, अगर टेक्निकल चीज़ की आपकी नॉलेज है तो। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लिंथ लेवल पे बीम दिया गया है, अच्छा बात है। बीम के ऊपर में देखेंगे कहीं भी दरार वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा, दरार जो भी है बीम के नीचे में, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड बीम बिल्कुल नहीं दिया गया। ठीक है, और जितना जगह है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके लिए ग्राउंड बीम पहले दीजिए, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये वाला बीम ऑप्शनल है, पहले ग्राउंड बीम दे दीजिए और उसके ऊपर दोस्तों 4 फीट से नीचे का अगर आपको मिट्टी का भराव करना है तो फिर DPC से भी काम चल सकता है। 4 फीट से ऊपर का मिट्टी भराव करना है आपको दोस्तों, तो एक बीच में भी बीम यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे, अब बोलेंगे कि एक बीम यहाँ पे दे दिया, एक बीम यहाँ पे दे दिया और फिर प्लिंथ लेवल पे क्या किया जाए, तो प्लिंथ लेवल पे दोस्तों 1-2 फीट का जो गैप है उसमें DPC से भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्त्री का बहुत गलत काम है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल जो है वो अभी देख सकते हैं, खिड़की दरवाज़ा वगैरह भी नहीं लगा है, जस्ट दोस्तों यहाँ पे ढलाई हुआ है और हाल देख सकते हैं। बरसात के दिन में ये दीवार गिरना निश्चित है और जो अंदर का दोस्तों अगर फर्श वगैरह अगर बन जाता है, ठीक है, इसको बिना किसी प्रकार का कोई रिपेयरिंग किए हुए, तो आज ना कल फर्श भी दोस्तों धंसने का जो है वो खर्चा मकान मालिक को झेलना होगा। तो ऐसे मिस्त्री से पहली बात तो सावधान रहनी चाहिए और ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए जिसको कि लेकर के हमें पछतावा झेलना पड़े। फिर मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।